So, hey guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel. So, guys, कैसे हैं आप सभी? I hope कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे. So, guys, मेरा नाम है करण एंड आज के इस नए वीडियो में guys, मैं आप सभी को सिखाने वाला हूँ कुछ इस टाइप की रील जो कि guys आपने स्टार्टिंग में देखी ली होगी. तो गाइस आपको कैसे हमारा किस टाइप की रील एडिट करनी है गाइस एंड कैसे बनानी है आपको मैं सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा ध्यान से. तो आप लोग वीडियो को जो ध्यान से देखना. बाकी गाइस अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आप वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लो. बाकी चलिए गाइस आज के इस नए वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं. सो गाइज आप सभी को सबसे पहले तो गाइज आपको VN एप्लीकेशन को ओपन करना है, ठीक है. देन उसके बाद आपको यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है एंड गाइज न्यू प्रोजेक्ट पे जैसे आप क्लिक करोगे तो गाइज आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा. देन गाइज आपको यहाँ से जो आपको अपनी वीडियो को सिलेक्ट करना है जिसपे गाइज आपको सबटाइटल्स बनाने तो आपको सिंपली इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे आपको फिर ये ब्लू वाले आइकन पर क्लिक करें फिर आपकी जो वीडियो यहाँ पे आ जाएगी. फिर लास्ट में आपको ये वाला पार्ट मिलेगा गाइज, ठीक है. तो आपको उसको सिंपली डिलीट कर देना है एंड उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है. अब देखिए गाइस यहाँ पे तो पहले आपको जाना ऐड फोटो में एंड गाइस ऐड फोटो में जाने के बाद ना पहले तो यहाँ से आपको एक PNG डाउनलोड करना है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. तो मैं इसको पहले यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ एंड मैं बताता हूँ आपको यूज़ कैसे करना है. सो गाइस हमने जो है PNG को यहाँ पे हमने ढूंढ लिया है, ठीक है. तो अब क्या है गाइस, अब आप इस PNG को ऐड करोगे तो गाइस आपको देखोगे कुछ ऐसा दिखेगा डार्क सा, ठीक है. तो आपको क्या करना है, आपको उसका साइज इंक्रीज करना है एंड इसको आपको जो नीचे की साइड में कुछ इस टाइप से ऐसे रख देना है, ठीक है. मतलब कि गाइस इससे क्या होगा कि ये जो मतलब जब यहाँ पे सब टाइटल्स लगाओगे ना गाइस तो यहाँ पे जो आपका सब टाइटल्स है वो इजीली दिख जाएंगे, ठीक है. तो आपको यहाँ पे नीचे के साइड में कुछ इस टाइप से ऐसे करके लगा देना इसको एंड अगर आप चाहो तो अगर मतलब आपको इसको लगे कि इसके ओपोसिटी अभी यहाँ पे कम लग रही है तो गाइस आपको सिंपली इसको डुप्लीकेट कर लेना है एंड उसके बाद जो आपको इसको इसका जो साइज़ है आपको पूरी वीडियो के हिसाब से रख देना, मतलब जितनी सेकंड की वीडियो होगी आपको उसको उतना ही साइज़ का रख देना है इसे, ठीक है. तो इसको मैं आपको फटाफट करता हूँ फिर उसके बाद बताता हूँ आपको आगे का प्रोसेस. ओके गाइस सो इतना हो जाने के बाद जो है आप सभी को फिर क्या करना है, यहाँ पे गाइस देखिए आपको जहाँ यहाँ पे देखिए कुछ हमारी वीडियो ऐसी हो जाएगी. आप यहाँ पे गाइस थोड़ी सी वीडियो को आपको आगे बढ़ाना है एंड उसके बाद आपको टेक्स्ट वाला ऑप्शन में जाना है एंड यहाँ से जो गाइस आपको ये सारे यहाँ पे फॉन्ट्स दिख देंगे हर तरीके के. तो यहाँ पे आपको जो सा बेस्ट लगे आपको वो ले लेना है. तो अभी मैं यहाँ पे गाइस सिंपली फर्स्ट वाला ले लेता हूँ, ठीक है. सबसे स्टार्टिंग का है तो मैं इसको लेता हूँ यहाँ पे एंड मैं अभी आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ गाइस, ठीक है. तो इसलिए मैं कोई मतलब किस मतलब कोई अच्छा सा फोन नहीं ले रहा हूँ, आप चाहो तो कोई सा भी ले सकते हो. तो यहाँ पे जैसे ही आप ले लोगे तो गाइस यहाँ पे जो आपको अपना जो भी मतलब क्या आपको मतलब आपके माइंड में जो भी मतलब ये थॉट हो आप उसमें वीडियो में अपने लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है. तो जैसे गाइस मेरा जो मतलब मेरे मैंने मतलब इंस्टाग्राम रील पर ही देखा था किसी के वीडियो में तो मैं गाइस उसको सेम चीज़ यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है. तो उसको यार इग्नोर करना कि भाई मतलब आप तो कुछ सेम ही लिख रहे हो. तो गाइस जैसे कि हमने यहाँ पे जो है मैंने सब टाइटल्स जो है मैंने पहला जो यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है. तो यहाँ पे मैं स्टार्टिंग में ही लिख रहा हूँ, ठीक है. तो यहाँ पे जो है हम इसको यहाँ पे इसका साइज बड़ा कर लेते हैं. तो यहाँ पे मैंने लिखा है गाइस आई एम फोकस्ड ओनली 3 things, ठीक है. तो यहाँ पे आपको कुछ स्टेप ऐसे मतलब आप जो भी स्टार्टिंग में लिखना चाहते हो वो लिख देना. तो पहली लाइन हमारी ये हो गई, ठीक है. तो हम यहाँ पे इसको जो है यहाँ पे कुछ साइज का हम इतना रखेंगे इसको हम बीच में रखेंगे. अब यहाँ पे देखिएगा जितना परफेक्ट है. तो मैं गाइस यहाँ पे आपको थोड़ा सा चला के भी दिखा देता हूँ कि गाइस हमारे जो है वीडियो में किस तरीके से दिखेगा. तो यहाँ पे हम थोड़ा प्ले करते हैं एंड गाइस कुछ इस टाइप से दिखेगा यहाँ पे, ठीक है. तो अभी यहाँ पे जो म्यूज़िक वगैरह नहीं सुनाई दे रहा ना गाइस आपको, इसलिए आपको थोड़ी सी बोरिंग लगेगी वीडियो. बट जब इसे म्यूज़िक में देखोगे तो गाइस और भी अमेजिंग लगेगा ये. तो अब इतना हो गया हमारा. अब गाइस इसमें क्या करेंगे, हमें जो हमारा इसमें जो बीप वाला साउंड आता है इसमें अब इससे आगे हम यहाँ से हम जो है अपने जो भी पॉइंट्स वगैरह यहाँ पे से हम लिखना स्टार्ट करेंगे. तो यहाँ पे हम इसको स्टॉप रखते हैं एंड उसके बाद जो है हम यहाँ पे वापस से प्लस पे जाएंगे टेक्स्ट पे. टेक्स्ट में जाने के बाद हम सेम वही वाला फॉन्ट लेंगे. सो जो मेरा 3 things थे गाइस जो उसमें से मेरा फर्स्ट जो है इसमें मैं मनी लिखूंगा, ठीक है. तो मैं इसको पहले यहाँ पे फटाफट टाइप करता हूँ एंड आपको आगे बढ़ाता हूँ फिर क्या करना है आपको. सो गाइस अब जो यहाँ पे हमने जो मनी लिख लिया गाइस, ठीक है. जैसे कि जैसे हमारा जो सेकंड पॉइंट जो है हमारा इसमें हमको आप क्या करना है, आपको जो साइज है जो उसको इंक्रीज करके रखना है एंड जो उसके बाद जो है इसको आपको जो नीचे की साइड में ले जाके आपको नीचे की साइड में रखना है. मतलब जो हमने जो PNG लगाया था ना वो डार्कनेस वाला आपको वहाँ पे रखना है क्योंकि ये जो है वहाँ पे दिखेगा अच्छे से. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना अच्छा मतलब अलग दिख रहा है यहाँ से कि मतलब हमने कुछ लगा रखा है, नहीं तो वैसे जो है मतलब हम लगाएंगे तो पता भी नहीं चलेगा कि हमने वीडियो में कुछ लिखा भी है. तो इसका हम साइज़ जो यहाँ पे छोटा रखेंगे क्योंकि हमें 3 points डालने हैं ना, इसमें 3 things लगाने अपने. तो बस देखिए कुछ ऐसा दिखेगा हमारी वीडियो में ये इस टाइप से एंड ये कुछ ऐसे, ठीक है. तो गाइस देखिए काफ़ी अमेजिंग लग रहा है इसमें. तो गाइस अगर आप चाहो तो कोई एलिमेंट्स वगैरह भी इसमें लगा सकते हो. तो सब कुछ है इसमें इन VN एप्लीकेशन में, आप देखना आपको सब कुछ मिल जाएगा. फिर अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ. तो हम दूसरा वाला जो पॉइंट हमारा यहाँ पर हम सिंपली करेंगे यहाँ पर 2 points लिखेंगे एंड उसके बाद जो हम यहाँ पे स्पेस देंगे एंड उसके बाद जो हमारा सेकंड थॉट है जैसे गाइस मेरा सेकंड थॉट हेल्थ, तो यहाँ पे मैं इसको लिख लेता हूँ एंड यहाँ पे इतना परफेक्ट है. अब यहाँ पे जो है हम इसको डन करते हैं एंड इसमें थोड़ा सा एक इमोजी भी ऐड कर लेते हैं. सो ये वाला इमोजी कर लेते हैं एंड यहाँ परफेक्ट है. अब इसको हम करते हैं ऐसे डन, ठीक है. तो इसको डन करेंगे एंड उसके बाद जो हम इसका साइज़ इंक्रीज़ करेंगे कुछ इस टाइप से एंड इसको रख देंगे हम ऐसे नीचे की साइड में एकदम एंड में, ठीक है. अब इतना परफेक्ट है. अब इसमें हम इसका भी साइज़ थोड़ा छोटा कर देंगे, इतना
हाँ इतना परफेक्ट है। अब गाइस देखिए, अब यहाँ पे जो है हम हमारा जो है थर्ड रह जाता है, ठीक है। तो अभी हम थर्ड को भी ऐड करना, तो हम चलते हैं ऐड फोटो में एंड यहाँ से हम इसको भी ऐड कर लेते हैं। एंड यहाँ पे हम इसको यहाँ पे टाइप करते हैं फटाफट। एंड यहाँ पे जो हमारा थर्ड है वो है पीस, ठीक है। तो यहाँ पे हम पीस को ऐड कर लेते हैं। सो इसका इतना परफेक्ट है। अब इसको हम इसको भी यहाँ पे इसका इंक्रीज करेंगे साइज़, एंड इसको हम एंड में ले जाएंगे। एंड यहाँ पे इतना परफेक्ट है। अब गाइस यहाँ पे देखिए, अब मैं आपको चला के दिखाता हूँ। एंड देखिएगा इसके कुछ इस टाइप से, एंड यहाँ से हमारी स्टार्ट हो गई। एंड ये जो है हमारा देखिएगा सारे मतलब एलिमेंट्स वगैरह जो भी है, मतलब इतना मस्त लग रहे हैं हमारे ये फॉन्ट्स वगैरह। तो अब जो है यहाँ पे क्या करेंगे हम गाइस, अब हमारी इतनी वीडियो यहाँ पे हो जाती है। अगर आप और भी थॉट्स लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो वीडियो में जितना मर्जी आप चाहो, बाकी आपके हाथ में। तो बाकी अब हम इसको सेव करते हैं। एंड गाइस यहाँ पे तक जो हमारी वीडियो एंड हो चुकी है। तो गाइस आशा करता हूँ और आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चले मिलता हूँ किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।